हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यार बोल रही हूँ। आज मैं एंटी रेबीज इंजेक्शन के बारे में आपको जानकारी जो बोलते हैं ना वो देती हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं कि रेबीज एनिमल्स कौन से हैं। तो अगर आपको कैट बाइट हुआ, मंकी बाइट हुआ और डॉग बाइट हुआ, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये तीन जो है वो कॉमन है। और अगर वो आपको उन्होंने काटा तो इंजेक्शन लेना जरूर है, क्योंकि रेबीज, एक बार रेबीज हो जाए तो रेबीज का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही कठिन है मीन्स सेट हो जाएगा रेबीज का, तो जो पेशेंट है वो बचना बहुत ही नामुमकिन होता है। इसलिए कभी भी अगर ये रेबीज एनिमल ने आपको बाइट किया तो नज़दीक के गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट डॉक्टर के पास भी जाके इंजेक्शंस ले सकते हैं। तो उसका गवर्नमेंट में उसका शेड्यूल क्या है, तो एंटी रेबीज इंजेक्शन है वो पहले हम 5 डोज देते थे, लेकिन आज हम 4 डोज देते हैं और उसके साथ टिटेनस टॉक्साइड भी देते हैं। तो वो जो पहला जो डोज होता है वो 0 मीन जब पेशेंट आता है तब, बाद में 3 दिन के बाद में 7 दिन के बाद और बाद में 28 डेज के बाद। अभी ये 4 इंजेक्शन किस पे देते हैं, तो उसका जब डोज 0.1 ml होता है तो तब 4 इंजेक्शन देते हैं, और अगर 0.5 ml देने का है तो 5 डोज देते हैं। तो उसमें 0, 3, 7, 14 और 28 डेज में देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्शन में 4 डोज देते हैं और उसमें कौन सा भी कैटेगरी नहीं है, पेट डॉग है या स्ट्रीट डॉग है। लेकिन हाँ, ये जरूरी होता है कि वो डॉग कौन से एरिया में काटा है, वो किधर काटा है, साइट ऑफ वो डॉग बाइट, ये सब वो जो मेडिकल ऑफिसर से उनको लिखना पड़ता है और उनको वो इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। जब पेशेंट आता है हमारे पास तो हम फर्स्ट वो साइट देखते हैं कि कितना काटा है, बाद में उनको पेशेंट को पूछते हैं कि वो पेट डॉग है कि स्ट्रीट डॉग है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी तो उसके क्राइटेरिया अलग थे, उसमें स्ट्रीट डॉग के लिए 5 इंजेक्शंस देते थे और पेट डॉग के लिए 3 इंजेक्शंस लगाते थे। लेकिन अभी क्राइटेरिया बदल गया है, जो मैंने बोला कि 0, 3, 7 एंड 28 डेज में देते हैं। तो ये 0.1 कैसे देते हैं, तो 0.1 हमारे डेल्टॉइड में देते हैं, इधर इंट्रा डर्मल देते हैं, बोन डेल्टॉइड पे हम वो देते हैं और एक टीटी का इंजेक्शंस बटक्स पे लगाते हैं। तो ऐसे अगर आपने लिया इंजेक्शन 4, तो आगे जाके उनकी जो चांसेस है रेबीज होने के वो नहीं होते। लेकिन अगर किसी ने वो इंजेक्शंस मिस किया, नहीं लिया और अगर उनको रेबीज हो गया तो फिर उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। लेकिन मैंने बोला कि अगर रेबिस होगा तो वो शरीर में अगर सेटअप हुआ तो वो जो है वो बहुत नामुमकिन होता है और मोर्टैलिटी मीन्स डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पेशेंट को जो फोबिया होता है, वाटर फोबिया होता है, वो बार्किंग होता है और बहुत ग्रेव होता है। मैंने पूरे मेरे मेडिकल इसमें मैंने सिर्फ 3 केसेस मैंने देखे हैं, अभी तो वो दिखाई ही नहीं देते क्योंकि हम पहले ही इतना सोसाइटी में अवेयरनेस करके रखे हैं, तो वो अवेयरनेस से सब लोग अभी आ रहे हैं और वो दे रहे हैं इंजेक्शंस, और हम भी उसमें अवेयरनेस जो करते हैं टॉक्स तो उसमें भी बोलते हैं कि भाई ये इंजेक्शंस लेना पड़ेगा, एक तो टिटैनस का और दूसरा ये, क्योंकि एक बार धनुर्वात हुआ टिटैनस तो उसका भी इलाज
बहुत कठिन है, और ये रेबीज का भी कठिन है। और उनके जो वुंड्स होते बाइट किए हुए, वो कभी भी उसको बैंडेज या पट्टी नहीं करनी चाहिए, वो खुले रखने चाहिए। और अपने जब वो काटता है तो टैपिंग जो वाटर है अपना नल का वाटर, उसके इसमें साफ करना चाहिए और वो जख्म खुली रखनी चाहिए। तो हम वो ऐसे पेशेंट को उनका कितना काटा है, वो साइट कौन सी है, ये उसका सब देखे, उनको मलम भी देते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं, और उनको बराबर डोज लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है आपको मालूम हुआ होगा कि कैसे देने का, क्या देने का। और ये एक जानकारी के लिए मैंने ये सेशन लिया है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर।